आगरा रेल मंडल के भड़ाई रेलवे स्टेशन के समीप मथुरा की तरफ से झांसी की ओर जाने वाली पतालकोट एक्सप्रेसवे की दो बोगी में आग लग गई है। आग लगने से सवारियों में अफरा तफरी के साथ चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने ट्रेन के डिब्बों से कूदकर अपनी जान बचाई है। कुछ यात्री आग की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। वहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगने से रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। आरपीएफ के जवानों ने गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन तेज धमाके के साथ दो जनरल बोगियों में आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं ट्रैक पर आने वाली सभी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है। आज दिनांक 25/10/2023 को सूचना प्राप्त हुई कि पातालकोट एक्सप्रेस की जनरल दो बोगियों में आग लग गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस को वहां रवाना किया गया और 5 फायर टेंडर की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। 2 यात्री घायल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी तत्काल रवाना कर दी गई। आगे इसमें जो भी फॉरेंसिक जाँच में पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की। आग लगी है, कितने डिब्बे वालों की, कौन सी ट्रेन थी ये? आज पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14624 है, जो फिरोजपुर से सिवनी मध्य प्रदेश तक जाती है। इसमें आगरा कैंट के आगे भांडई के पास ट्रेन में स्मोक डिटेक्ट हुआ था। गेटमैन ने बताया था, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तुरंत ही ट्रेन को रोक के सारे यात्रियों को उतार लिया गया था। आग लगभग 4 कोचेस तक फैल गई थी। 4 कोचों को काट लिया गया है, ट्रेन से डिटैच कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा ली है और सभी पैसेंजर्स इस समय सुरक्षित हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।